क्या आप कोरोना कैरेक्टर से परेशान हो? हाँ। क्या आप नो करने के बाद भी किल नहीं ले पाते हो? हाँ। क्या आप हेडशॉट मारने के बाद भी किल नहीं ले पाते हो? अरे हाँ भाई हाँ। तो आपके लिए है OB27 अपडेट। मतलब ये अपडेट में क्रोनो का एबिलिटी चेंज हो जाएगा? अरे हाँ भाई हाँ। गाइस आप सभी लोग जानते हो कि क्रोनो कैरेक्टर का एबिलिटी चेंज हो रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। लेकिन क्या आप लोग जानते हो आलोक का भी एबिलिटी चेंज होगा? नहीं। हाँ मेरे भाई, 3 दिन बाद सारे के सारे कैरेक्टर का एबिलिटी चेंज होगा और उसमें क्रोनो आलोक का भी चेंज होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो पे बताऊंगा कि आलोक पे कौन सा चेंज होगा और अच्छा होगा या नहीं। और गाइस आप लोगों को फ्री इवेंट भी दिखाऊंगा जिसपे आप लोगों को फ्री का आइटम मिलेगा। अभी मजा आएगा ना वीडियो। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो चलो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट टू डे आवर वीडियो। गाइस 3 दिन बाद यानी कि 14 अप्रैल पे गेम में आएगा न्यू ओबी अपडेट और उसी खुशी में गेम में देखो आप लोगों को 2 वीपन रॉयल वाउचर और 2 डायमंड रॉयल वाउचर मिलेगा फ्री। लेकिन आप लोग कमेंट करके बता रहे हो कि भाई ये कैसे मिलेगा बता, तो भाई देखो ये आप लोगों को मिलेगा जस्ट लॉगिन करने पे। इसके लिए कोई भी मिशन है नहीं, आप लोग बस जिस दिन गेम अपडेट होगा अपडेट करने के बाद आ जाना गेम पे, ओपन कर लेना और देखना यहाँ पे आ जाएगा क्लेम करने का ऑप्शन। और याद रखना गाइस डेट होगा 14 अप्रैल यानी कि और 3 दिन बाद गेम में आएगा ओबी अपडेट, उसके बाद ही मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा तो चलो गाइस अब आप लोगों को दिखाते हैं फ्री इवेंट जिसपे आप लोगों को फ्री बंडल, पैराशूट का स्किन, वीपन रॉयल वाउचर, डायमंड रॉयल वाउचर, काफी सारे आइटम मिलेगा। गाइस देखो इवेंट का नेम होगा किए ओ नाइट। अब इसका डेट देखो कोने में लिखा है 24 अप्रैल। और इसपे बेसिकली मिल रहा है देखो ये जो फीमेल का बंडल, वीपन रॉयल वाउचर, डायमंड रॉयल वाउचर, पैराशूट का स्किन और आर्टिक ब्लू बंडल। बट भाई लोग ये बाहर का सर्वर का पोस्टर है, ये इंडिया में अगर आए तो ये आर्टिक ब्लू बंडल नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग जानते हो कि बाहर का सर्वर में मैजिक क्यूब स्टोर में ये आर्टिक ब्लू बंडल है, इसीलिए इसका वैल्यू बाहर का सर्वर में नहीं है। बट इंडिया में इसका वैल्यू क्रीन्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए आर्टिक ब्लू बंडल आप लोगों को नहीं मिलेगा। एंड भाई देखो इस पे एक नया आइटम है जो है स्काई विंग्स, ये गेम में आएगा ओबी अपडेट के बाद और ऐसा इवेंट ओबी अपडेट के बाद इंडिया में आएगा जिसपे आप लोगों को आइटम मिलेगा भर भर के। अब इस पे जो आइटम देखने को मिला आप लोगों को यही मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, नेक्स्ट चेंज हो जाएगा, अलग अलग आइटम आएगा क्योंकि हर सर्वर का आइटम एक नहीं होता, ठीक है। अब भाई देखो ये इवेंट स्टार्ट होगा 14 अप्रैल से, लेकिन इसका जो फाइनल डेट होगा 26 अप्रैल। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा कि 14 अप्रैल पे इंडिया में आए या नहीं, अगर आए तो मिशन होगा आप लोगों को बता दूंगा मैं, अगर नहीं आए तो क्या कर सकते, गाइडर को गाली देने से अलावा कुछ नहीं। सो वेट करना होगा 3 दिन, 3 दिन के बाद अगर आए तो मजा आ जाएगा, अगर नहीं आए तो एक ही बात बोलेंगे सब साले कुत्तों की जिंदगी। एंड भाई लोग और एक बात आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि गोल्ड रॉयल क्या होगा, उसका बंडल कैसा है, देखने में कैसा है आप लोगों को दिखाया था। बट गाइस एक बंडल रह गया था, मतलब मेरे को याद नहीं था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। ये जो व्हाइट कलर का फीमेल बंडल देख रहे हो ना, ये भी गोल्ड रॉयल में आ सकता है और ये नया नया ऐड हुआ इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए आया था बट भूल गया था। आप देखा दिया देखो इसको भी ऐड कर लेना उसके साथ के कौन सा बंडल आएगा और आप लोग देख ही लिया तो बहुत बढ़िया। तो चलो आप बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट इवेंट के बारे में। तो गाइस देखो 3 दिन बाद तो ओबी अपडेट आएगा, उस पे गान का भी चेंज होगा। अब देखो गन का चेंज होगा, सबसे पहले चेंज होगा M82V, जिसके लिए बहुत बंदा परेशान है कि भाई देखो रैंक खेलेंगे गुलाल मारेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि M82V से हम लोगों को मार देगा, इसीलिए गायना वालों सोचा कि इसको थोड़ा चेंज करे, इसलिए M82V पे चेंज होगा कि ये जो गुलाल का पीछे से मारते है और 90 का डैमेज मिलते है। बट अपडेट के बाद 60, मतलब एक बंदा अगर नॉक करना चाहते हो तो मिनिमम 4 फायर करना होगा, उससे पहले बंदा भाग जाएगा, ठीक है। सही पकड़े हैं। एंड भाई लोग इसके साथ साथ
दो गन का एट्रीब्यूट ओपी होने वाला है। ये जो यूएमपी देख रहे हो ना यूएमपी, क्योंकि यूएमपी बहुत बंदा यूज नहीं कर रहे और गेम में क्या बोलूं अभी तो कोई यूज ही नहीं कर रहे। इसके बाद ये जो अपडेट आएगा यूएमपी एक बेटर गन हो जाएगा एसएमजी का, साथों साथ और भी दो गन चेंज होगा जिसपे वेक्टर, वेक्टर अभी भी खतरनाक है, वेक्टर का एबिलिटी और भी डाउन होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और MAG-7 इसका एबिलिटी अप होगा। अब भाई गन स्किन तो बता दिया, चलो आप लोगों को और एक गुड न्यूज भी दे देता हूँ। ये जो बारमूडा 2.0 या बारमूडा रिमास्टर्ड आप लोगों को OB-27 अपडेट के बाद परमानेंट देखने को मिल जाएगा क्लास स्क्वाड में। भाई कैसा लगा सच बोलना? मजा आया। आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे भाई कब आएगा कब आएगा, तो गाइडर ने बता दिया कि अपडेट के बाद परमानेंट देखने को मिल जाएगा गेम में। तो चलो गाइस आप फाइनली जान लेते हैं आलोक के बारे में। गाइस आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया कि OB-27 अपडेट के बाद क्रोनो का एबिलिटी चेंज होगा और चेंज होके पूरा टट्टी हो जाएगा, उसका जो कूल डाउन टाइम बहुत ही बढ़ जाएगा और कोई यूज भी नहीं करेगा। गाइस सच में मतलब आप अगर एक क्लास स्क्वाड राउंड में एक बार यूज कर पाओगे तो यूज करके कोई फायदा ही नहीं है। एंड इसी के जगह पे उकोंग या मंकी किंग इसका एबिलिटी चेंज हो गया, अच्छा होगा। देखो इसका जो कूलडाउन टाउन टाइम है शॉर्ट हो जाएगा और इसका जो एबिलिटी आप जब चाहो यूज करके बंद करके फिर यूज कर सकते हो, मतलब मंकी किंग एक ओपी कैरेक्टर हो जाएगा। एंड भाई आलोक का बात करें तो आलोक का चेंज अभी भी OB-27 अपडेट का एडवांस सर्वर में दिखाई नहीं दिया, लेकिन इसका भी कैरेक्टर स्किल चेंज होगा, लेकिन अच्छा होगा, गुड होगा, मतलब एक नंबर पे आ जाएगा। कैसा है इसका जो एएसपी जो देता था उससे ज्यादा देगा, ठीक है भाई। ऐसे ही अभी इंफॉर्मेशन मिला और OB-27 अपडेट का एडवांस सर्वर में देखने को नहीं मिला आलोक का एबिलिटी चेंज, बट आलोक फिर से नंबर 1 पे आ जाएगा। इसी बात पे ठोको ताली और ठोको लाइक, यार क्या करो लाइक कर दो, इतना अच्छा न्यूज भाई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा कि क्रोनो जाएगा उसके साथ MA-2B डबल वेक्टर, भाई इतना खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे। तो इसी खुशी में लाइक ठोको। और गाइस यही था आज का वीडियो, मैं आप लोगों को बता दिया, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल पे नया हो तो क्या करो यार, ऐसा वीडियो देखना है और ऐसा सच रियल जानना है तो जो लाल कलर का बटन देख रहे हो ना उसे करो क्लिक, साइड में एक घंटा आएगा उसे भी क्लिक करके ऑल पे सेट करना, ऐसे ही वीडियो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सो मिलते हैं कोई न्यू टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और एक बात, पैसा सोच समझ के काम पे लगाना, फोकट में किसी पे जगह पे मत लगाना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।